नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अस्सी। आप देख रहे हैं लीगल रिपोर्टर। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑपरेशन लंगड़ा की, जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है, अनाधिकारिक तौर पर चल रहा है, आधिकारिक तौर पर नहीं किया जा रहा है। अब आप ये सोचेंगे कि ऑपरेशन लंगड़ा क्या है, किसी लंगड़े का ऑपरेशन हो रहा है या कोई लंगड़े आम के बारे में चर्चा की जा रही है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये दोनों ही तरह के जो मैंने उदाहरण दिए उनसे कोई संबंध नहीं है। ऑपरेशन लंगड़ा वो है जहां उत्तर प्रदेश में खुली छूट है पुलिस को अपराधियों को मारने की, और ऑपरेशन लंगड़े का मतलब पैर में गोली मारने की। 2017 की जो से लेकर और 2021 के बीच की जो रिपोर्ट आई है वो बता रही है कि करीब 8,472 इस तरह के एनकाउंटर्स हुए, जिसमें 3,302 लोगों को गोली मारी गई है और करीब 146 लोग इसमें मृत्यु जिनकी हुई है। पुलिस और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उन्होंने सत्ता संभालते ही कहा था या तो प्रदेश छोड़ के चले जाओ नहीं तो भुगतने के लिए तैयार हो। यही निश्चित रूप से ये दिन था जहां भुगतने के लिए तैयार है। तो फिर कानून व्यवस्था क्या, क्या पूरा राज्य पुलिस का होगा जहां पुलिस केवल इंकाउंटर से ही अपराध कम करने की कोशिश करेगी? तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत खास मेहमान संजय पारेख साहब जुड़ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं, पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी से जुड़े हुए हैं, तमाम देश के बड़े ह्यूमन राइट्स के मामलों में, एक्स्ट्रा जुडिशियल क्लिंग के मामलों में वो पेश होते रहे सुप्रीम कोर्ट में। उन्हीं से जानेंगे कि आखिर ये पुलिस राज है या कानून राज है। संजय सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, कानून अब लागू हो, अपराध कम हो, ये इससे किसी को मना नहीं हो सकता, लेकिन ये क्या तरीका हुआ कि करीब 8,000 एनकाउंटर जिसमें 3,302 लोगों को पैर पे गोली मार दी गई, हाथ में गोली मार दी गई? संजय सर। जी हाँ, बात यह है कि अगर आपको व्यवस्था बनानी है, कानून व्यवस्था बनानी है, तो कानून व्यवस्था बनाने का अर्थ ये होता है कि जो कानून है उसको लागू करके आप जो भी व्यवस्था बनानी है उस व्यवस्था को बनाए। इसका अर्थ ये नहीं होता कि आप ये कहें कि हमारे प्रदेश के अंदर इतने बदमाश लोग हैं, आप मतलब अपने तरीके से आप बदमाश की गिनती करें, आप सोचते हैं कि वो बदमाश हैं, इतने लोग हैं जो हमारी जो राजनीति है या हमारा जो कार्य है उसका उसका विरोध करते हैं, उनको भी आप उसमें जोड़ लीजिए। तो अगर इस तरह के लोगों को जोड़ करके आप ये सोचते हैं कि नहीं, अगर मुझे यहाँ पर शांति व्यवस्था लानी है, तो शांति व्यवस्था लाने के लिए मुझे कानून का सहारा ना लेकर के मुझे कुछ इस तरह की बात करनी पड़ेगी जो कानून तौर पर ठीक नहीं है, लेकिन उससे व्यवस्था आ जाएगी, तो ये अराजकता की बात है। ये रूल ऑफ लॉ इसको बिल्कुल भी अपनी अपना समर्थन नहीं देता, ये बिल्कुल गलत है अपने पर। क्योंकि अगर ये बात मान ली जाएगी तो अभी जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, उसके अंदर और जो बाहर बहुत जगह पर होता है कि आप किसी व्यक्ति का हाथ काट दें क्योंकि उसने चोरी की है, या पत्थर से किसी आदमी को मार दें क्योंकि उसने कोई गलत काम किया, तो उसमें बर्बरता जो होती है उसमें और दोनों में फर्क क्या रह जाएगा? दोनों में कोई फर्क नहीं रहेगा। हालांकि संजय सर, जिस डेमोक्रेसी की आप बात कर रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस तरह के जो अभियान चलता है उसका समर्थन करते हैं। आपको याद होगा विकास दुबे के प्रकरण में, जहां उसे गाड़ी में ले जाया जा रहा है, सैकड़ों मीडिया चैनल की गाड़ी उसके पीछे है, चार चार दस दस पुलिस वाले बैठे हैं, वो एक नामी गिरामी बदमाश हो गया है, पुलिस जिसे खोज रही थी वो चलते हुए पता चलता है कि वो पुलिस वाले से बंदूक छीन रहा था और फिर नीचे उतरा और फिर पुलिस को इंकाउंटर कर देना पड़ा। लोगों ने जस्टिफाई करा, कैसे अपराधी को तो मरना चाहिए। तो जिस डेमोक्रेसी की आप बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी अगर जनता से है तो जनता ही तो सपोर्ट कर रही है। देखिए, हम डेमोक्रेसी की जब बात करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि एक तबका कह सकता है। अब मान लीजिए कि कुछ हिंदू फैनेटिक हैं, वो अपने तरीके की बात करते हैं, मुस्लिम फैनेटिक हैं, वो अपनी तरीके की बात करते हैं, तो जो जो व्यक्तियों के सोचने का तरीका होता है वो डेमोक्रेसी को या रूल ऑफ लॉ को निर्धारित नहीं करता। मतलब रूल ऑफ लॉ जिसे हम बोलते हैं वो तो ये कि जो कानून बना हुआ है, अब कानून अगर बना हुआ है कि किसी व्यक्ति ने कोई गलत काम किया है तो आप क्या करेंगे, आप उसके अंदर ये करेंगे कि उस व्यक्ति ने गलत काम किया तो उसके खिलाफ FIR करेंगे, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फिर उसमें चार्जशीट फाइल करेंगे, फिर ट्रायल होगा, ट्रायल होने के बाद उसको पनिशमेंट होगा। क्या आप सीधा जंप करके आप ये कहें कि ना मैं FIR करूंगा,
ना मैं कोई इन्वेस्टिगेशन करूंगा, ये सब तो बड़ी परेशानी की बातें हैं, ये कानून में लिखा हुआ है, मैं इन सब चक्करों में क्यों पढ़ूं, मैं तो सीधा ये करूंगा किसी ने गलत किया है और मैं उसको सीधा पनिशमेंट देता हूं। और पनिशमेंट दो तरीके का है, या तो उसको एनकाउंटर के अंदर आपने मार दिया, या दूसरा ये है वो भी एनकाउंटर का ही रूप है कि आपने कहीं इस जगह पर गोली मारी जो पैर में मारी हाथ में मारी, ताकि जो जो मरने के बाद बहुत सारे प्रश्न जो पैदा होते हैं वो प्रश्न पैदा ना हो करके बोले कि भाई हमने तो यहाँ गोली मारी है या हाथ में मारी क्योंकि भाग रहा था। और एक अजीब सी बात यह है कि चाहे वो पैरों और हाथों में गोली मारने वाली बात हो या किसी को ऐसी जगह मारना जहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है वो बात हो, सब में एक ही बात आती है कि बाइक में बैठे हुए हैं और बाइक में बैठे होने के बाद में जो व्यक्ति वो वहां से कहीं से जाते हैं, रुकते नहीं है, और रुकने के बाद में वो फायर करते हैं, फिर पुलिस काउंटर फायर करती है उसमें होता है। मतलब ये एक अजीब सी बात है कि इनको कोई इस तरह की कल्पना करके नए नए अन्वेषण भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ एक ही बात सब जगह बार बार आती है, यही कहानी रिपीट करके आती है। तो ये चीजें से मालूम पड़ता है कि इम्पोर्टेंट ये है कि इन सब एनकाउंटर्स में लैंग्वेज एक ही तरह की होती है कि उसे दो बाजी जा रहे थे और उनको रोका गया और जब उनसे कहा गया, पूछा गया, उनकी तलाशी ली तो वो भागने लगे और उन्होंने गोली चला दी। हालांकि ये बड़ा अजीब सा है कि दूसरा पक्ष, मतलब एक पक्ष तो ढेर हो गया, गोली चला दी, उसके पैर पे गोली लग गई, दूसरे पक्ष की कोई खबर ही नहीं होती है कि उनको लगी कि नहीं लगी, उन पे फायर हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह के मामलों में किस तरह जांच किस तरह होती है जब एक ही पैटर्न की FIR हैं? देखिए ये तो मैंने आपको पहले भी शायद किसी उसमें एपिसोड में बताया था, सुप्रीम कोर्ट ने जो PUCL का जजमेंट दिया, उस PUCL के जजमेंट में दोनों बात है। एनकाउंटर का अर्थ यही नहीं होता केवल कि आप किसी को मार दें, किसी को अगर आप इंजरी क्रिएट करते हैं किसी को, तो वो भी एनकाउंटर की डेफिनेशन में आती है। बिल्कुल। और मैंने ये भी उसके अंदर ये जजमेंट में ये भी आया कि एनकाउंटर जैसी कोई बात नहीं होती, क्योंकि कहीं पर भी कानून के अंदर एनकाउंटर की परिभाषा नहीं है। कहीं पर ये नहीं कि पुलिस को उन्होंने इस तरह के ज्यादा पावर्स दे रखे हैं लॉ ने कि आप एनकाउंटर कर सकते हैं, एनकाउंटर में आप किसी को मार सकते हैं या किसी को जख्मी कर सकते हैं, ये कहीं पर भी परिभाषा में कानून के नहीं है। तो होना यही चाहिए कि अगर इस तरह की कोई भी वारदात होती है तो पुलिस के खिलाफ FIR लॉज होनी चाहिए, और लॉज होने के बाद में उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन के बाद में ट्रायल होना चाहिए, क्योंकि केवल एक ही इसमें स्थिति है। देखिए आप इसको समझिए, एक ही मैंने एक ही इसके अंदर जो डिफेंस आ सकता है वो ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस कि मैंने अपने आप को बचाने के लिए गोली मारी, लेकिन ये जो बात होती है वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर प्रूव नहीं होती, ये केवल ट्रायल के अंदर आपको प्रूव करनी पड़ेगी। जब डिफेंस एविडेंस आप लीड करेंगे तब आप ये बताएंगे कि भाई मैंने इस तरीके से गोली मारी, फिर वो कोर्ट उसको एसेस करके बताएगा कि आपका करना ठीक नहीं था। अभी जो जितना कुछ हो रहा है ये लॉलेसनेस है, इस तरीके से आप किसी भी स्टेट को रन नहीं कर सकते। लेकिन जिस मामले जिस FIR दर्ज होने की आप बात कह रहे हैं, निश्चित रूप से ये प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन जब खुद मुख्यमंत्री ये कहता है कि या तो अपराधी यहां से छोड़ के भाग जाएं या फिर तैयार रहें गोली खाने के लिए, जब एक राज्य का मुख्यमंत्री जिस भाषा का प्रयोग करता है, तब वो जो नीचे मनोबल है वो मनोबल कितना बढ़ता है कि आप किसी को उठा के, एक पुलिस को हथियार दे दिया गया है, वो निश्चित रूप से प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है, और वो किसी पे चला रहा है। और मैं आपको यहां भी इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसे भी मामले प्रदेश में आए हैं जहां आपसी रंजिश निपटाने के लिए एनकाउंटर कर दिया गया। संजय सर, बिल्कुल बिल्कुल हो गए। तो मेरा प्रश्न आपसे है कि जब एक पॉलिटिकल संरक्षण है, जब ऊपर बैठे हुए लोगों का एक संरक्षण है, तो निश्चित रूप से नीचे मनोबल तो बढ़ेगा ही। देखिए अगर मान लो मुख्यमंत्री का संरक्षण है, तो एक तो आपको ये मालूम है कि जब स्टेटमेंट दिया था योगी जी ने, उस समय NHRC ने नोटिस भी इशू किया था कि इस तरह के स्टेटमेंट आप नहीं दे सकते जी। PUCL ने जो अपनी पिटीशन फाइल की हुई है जो अभी पेंडिंग है, उसके अंदर इस बात का जिक्र किया है कि अगर जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है अगर वो इस तरीके का संवाद करता है, इस तरह के स्टेटमेंट देता है, तो इसका मतलब है पुलिस को संरक्षण पूरा पूरा प्राप्त होता है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और उसके ऊपर हमने ये भी कहा है कि इसमें प्रॉपर तरीके से जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए स्टेटमेंट की। तो ऐसी स्थिति के अंदर तो आप यही कर सकते हैं कि अगर किसी भी
हेड ऑफ द स्टेट ने अगर इस तरह का स्टेटमेंट दिया है तो आप जुडिशरी के सामने ही जाकर के उसकी बात को कह सकते हैं, और तो कोई जगह है नहीं जहां पर हुआ, तो हमने कह चुके हैं और देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या करता है। ठीक है, मुझे ये बताइए संजय सर कि मैं उत्तर प्रदेश की इस प्रोब की बात कर रहा हूँ, 74 एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का के मामले में कमेटी बनाई गई, प्रोब कमेटी बनाई गई, लेकिन सब में पुलिस को क्लीन चिट दे दी गई। ये साफ तौर पर बताता है कि उस इंटरनल व्यवस्था में आप कहाँ खड़े हैं, उस व्यवस्था में आप कैसे अपने आप को खड़े कर रहे हैं। अब मेरा आपको सवाल ये बनता है, जो आम एक अवधारणा है, एक आम बातचीत है, आप चूंकि इतने अनुभवी वकील हैं और आपने तमाम तरह के कानून और सामाजिक आस्पेक्ट दोनों को देखा है, जहां आम आदमी की सोच ये हो जाए कि आखिर अपराधियों से निपटे कैसे, तो फिर तो ये रास्ता ठीक है। जब वो ये मानने लगता है कि ये रास्ता ठीक है, तो नाजायज या गैर कानूनी होना तो वो तो चर्चा से बाहर ही हो जाता है। संजय सर, मैं आपकी बात को समझा, लेकिन बात यह है कि लोगों के सोचने से तो कानून व्यवस्था बनती नहीं है। अगर लोगों के सोचने से कानून व्यवस्था बनती होती तो मेजोरिटी में जो लोग हैं वो कल को कहेंगे कि नहीं, हम तो व्यवस्था इस तरीके की बनाना चाहते हैं, या माइनॉरिटी की तरह किस तरीके से ऑपरेशन जो होता है कि माइनॉरिटी को हम इस तरीके से इसके साथ बिहेव करेंगे। जो लिंचिंग के बहुत सारे आपने देखे होंगे, या काउ स्लॉटर वाले जो उससे गाय से जुड़े हुए बहुत सारे प्रकरण है उनको देखेंगे, या जो इस तरह की शादियां हो जाती हैं उनको लेकर के आप देखेंगे, तो जो इंटरकास्ट मैरिजेस होती हैं, हिंदू मुसलमान सबकी शादियां होती हैं जिनको अभी प्रोहिबिट करने के लिए कानून भी लेके आ गए, ये जो तमाम चीजें होती हैं उसके अंदर अगर लोगों के सोचने का एक तरीका बन जाए, और असली बात यह है कि अगर उस तरीके का के ऊपर जो हेड ऑफ द स्टेट है उसकी मोहर लग जाए कि ये सोचना ठीक है, तो फिर जो जिसे हम बार बार मैं कहता हूँ कि रूल ऑफ लॉ जिसे बोलते हैं, कि हम एक एक संविधान से गवर्न होते हैं, हमारे ऊपर एक कानून है जो सारी चीजों को देखता है, तो फिर वो तो कहीं रहता नहीं है ना। अगर लोगों की सोच ही अगर इसको बता देगी कि कानून क्या होना है, तो फिर कानून की जरूरत क्या है? देखिए लोग समझते नहीं है, अभी तो ये कह रहे हैं कि चलो इनको मार दिया, कल को मान लीजिए एक इनोसेंट आदमी उन्हीं के घर के अंदर पुलिस वाले इस शहर में आकर के मार देते हैं, तो फिर वो क्या कहेंगे, जिसने कुछ भी नहीं किया तब क्या होगा? और एक नहीं उसके बाद में कई लोगों का अगर इस तरह के मारने की बात शुरू हो जाती है तो फिर बात कहाँ रहेगी? मान लीजिए अभी तो आप कहते हैं कि एक इस तरीके का बदमाश है, तो दुर्दांत व्यक्ति है जिसने बहुत सारे अपराध किए हैं, उसके खिलाफ कोई बात हो रही है, लेकिन उसमें इनोसेंट भी लोग बहुत सारे हो सकते हैं, और ये जितने लोग एनकाउंटर में मरे हैं उनके अंदर बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल इनोसेंट हैं, लेकिन कानून की व्यवस्था के अंदर व्यक्ति इनोसेंट है या उसने कोई क्राइम किया है, जहां तक इन्वेस्टिगेशन और एफआईआर की बात है वहां पर तो कानून बराबर है। बराबर है कि आपने किसी व्यक्ति की हत्या करी है तो आपके खिलाफ, या आपने किसी को किस तरह की आपने जो इंजरी क्रिएट की है, तो उसके लिए जो कानून व्यवस्था है वो एक बताती है कि प्रकरण किस तरीके से, प्रोसीजर बताती है कि किस तरीके से होना चाहिए चीजों को। आप उन चीजों को दरकिनार करके और कहें, मैं जैसे मैंने पहले बताया कि आप सीधा न्याय कर रहे हैं, तो फिर इन प्रोसीजर्स की जरूरत क्या है? तो ये जो गवर्नमेंट होगी, तो गवर्नमेंट ऐसी होगी जो गवर्नमेंट कानून से ना रन करके ऐसी गवर्नमेंट है जो अपने हिसाब से जैसा उनको ठीक लगता है वो करती है, जैसे लॉलेसनेस बोलते हैं वही है। ठीक है संजय सर, मुझे ये बताइए कि अगर जो भी विक्टिम, कम से कम खासकर एनकाउंटर का विक्टिम, हालांकि वो एक्यूज्ड हैं, अभी उन पर कोई ट्रायल नहीं चला है, उन पर कोई दोष सिद्धि नहीं हुई है, अगर वो आपको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उनका अगला स्टेप क्या होना चाहिए इस तरह के एनकाउंटर्स को लेकर? देखिए बात यह है कि उन लोगों को तो अपनी एफआईआर तो लॉन्च करनी पड़ेगी, उनको कोर्ट में जाकर, उनको पुलिस स्टेशन पर जाकर के एफआईआर देनी पड़ेगी, और पुलिस वाले नहीं ले रहे हैं तो आपको कमिश्नर को देनी पड़ेगी, अगर कमिश्नर भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा और उन्होंने नहीं किया तो आपको कोर्ट में जाकर के जो कंप्लेंट फाइल करते हैं उस कंप्लेंट को फाइल करना पड़ेगा कि कोई रजिस्टर नहीं किया, तो फिर 156(3) के अंदर कोर्ट उसके, और जजमेंट तो है ही सुप्रीम कोर्ट का, उसके इन्वेस्टिगेशन की बात करेगी। ठीक है, अच्छा मुझे अब ये बताइए अंतिम में संजय सर, सुप्रीम कोर्ट के सामने चूंकि आप एनकाउंटर्स को लेकर, एक्स्ट्रा जुडिशियल क्लीन को लेकर
आप अपीयर होते रहे हैं पीयूसीएल की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट का अंतिम पे इसका क्या कहना है? और आपने हाल फिलहाल ही जो, हालांकि हाल फिलहाल क्या, करीब उसको भी कई साल होने आ रहे हैं जब आपने एनकाउंटर्स का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में उठाया था, उस समय से लेकर अभी तक में क्या सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा इसको लेकर आदेश आया है? नहीं, अभी तक कोई आदेश नहीं आया। बीच में एक बार मुकदमा लगा था, लेकिन उसके बाद में ये कहा गया कि इसकी सुनवाई करेंगे, लेकिन उसकी सुनवाई अभी तक हुई नहीं है। हम लोग ये करेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि इतने सारे जो केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं कि कोर्ट के सामने मेंशन करें। और अभी जब से ये कोविड की प्रॉब्लम आई है और हियरिंग की जो व्यवस्था है बड़ी गड़बड़ा गई है, इसकी वजह से भी दिक्कत हो रही है, लेकिन इसको हम रेस करके और कोशिश करेंगे कि जल्दी इसकी सुनवाई हो, ताकि इन मुकदमों की जो इस तरह के वारदात हो रहे हैं, इनके ऊपर कोई तो अंकुश लगे। बहुत बहुत शुक्रिया संजय सर, निश्चित रूप से। लेकिन हालांकि मैं बताना चाहता हूं कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटीशन आने के बावजूद भी सुनवाई टाइम से नहीं हो पा रही, समय से नहीं हो पा रही है। और यही कारण है कि शायद राज्यों और उनके बैठे हुए जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, उनकी हिम्मतें बढ़ रही हैं और वो खुलेआम बयान इस तरह का दे रहे हैं, जिससे कि निचले स्तर पर जो पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं उनको एक तरह का साहस मिल रहा है, एक तरह का उनको बढ़ावा मिल रहा है कि वो इस तरह खुलेआम किसी को भी रोकते हैं और इसके बाद फायर कर देते हैं, ये कहते हैं कि साहब भाग रहा था, ये कर रहा था। तो तमाम इस जांच की जरूरत है, और शायद सुप्रीम कोर्ट से कुछ नया पहलू आया होता तो शायद हिम्मत ना बढ़ती, जैसा कि अभी संजय पारिक साहब ने कहा। जी जी, आप ठीक कह रहे हैं। और ये जो आपने क्लीन चिट की बात की, ये भी मुझे बड़ी क्वेश्चनेबल लगती है कि क्लीन चिट, सुप्रीम कोर्ट के जो पीयूसीएल का बहुत बड़ा जजमेंट है, उसके बाद में क्लीन चिट देने का अर्थ क्या हुआ? क्लीन चिट तो आपको तभी मिल सकती है जब ट्रायल हो, ट्रायल होने के बाद में जो फैसला होता है उसमें ही क्लीन चिट मिल सकती है, उसके पहले क्लीन चिट मिलने का क्या उसका मतलब क्या बेसिस हुआ वो समझ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।